हिमाचल प्रदेश के एकमात्र क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र धर्मशाला स्थित खनियारा मोहाली की व्यवस्था काम चलाऊ आधार पर ही चल रही है। आधे हिमाचल के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मंदिर मात्र बड़ी इमारत के रूप में ही देखने के काम आ रहा है। क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र धर्मशाला में लगातार चल रही प्राध्यापकों की कमी, गुणवत्ता रहित शिक्षा और अन्य अव्यवस्थाएं किसी से छुपी नहीं है। इन अव्यवस्थाओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। रीजनल सेंटर मोहली धर्मशाला में नियमित प्राध्यापकों को डेपुटेशन पर भेजने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मशाला क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंपस अध्यक्ष डिकन कुमार ने कहा कि क्षेत्रीय केंद्र में मौजूदा समय में 12 डिपार्टमेंट चल रहे हैं, जिसमें अभी रेगुलर केवल 8 फैकल्टी ही है। उन्होंने कहा कि जबकि यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के मुताबिक एक फैकल्टी में 2 रेगुलर प्राध्यापकों का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार और शिमला विश्वविद्यालय से रिक्त पड़े हुए पदों को जल्द भरने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने से भी परहेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के छात्रों को उच्च शिक्षा से किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर जो है एक धरना प्रदर्शन किया है विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर में। इसमें हमारी जो प्रमुख मांगे जो पूर्व से रही है कि हम यहाँ पर जो यहाँ से डेपुटेशन पर टीचरों का जो स्थानांतरण लगातार हो रहा है विश्वविद्यालय को ले जा रहे हैं, तो इसके विरोध में हमने आज का ये धरना प्रदर्शन किया। और इसके साथ साथ हमारी कुछ विभिन्न मांगे हैं, जैसे हॉस्टल निर्माण को लेकर है, खेल मैदान को लेकर है, जो प्रदेश सरकार से हमने पूर्व में भी काफी बार ये मांगे की थी, लेकिन अभी तक ये कहीं पर भी पूरी होती नहीं दिख रही है। लेकिन जब सबसे मुख्य मांग जो हमारी है वो अध्यापकों को लेकर है, क्योंकि उन्हीं पर जो पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली का हमारा जो है ढांचा टिका हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि रीजनल सेंटर में अध्यापकों का अपॉइंट करके जो है विश्वविद्यालय ले जाया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय विषय है। और इसके साथ जो छात्रों के साथ जो इस शिक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्व की सरकार के खिलाफ भी जो है काफी आंदोलन लड़े हैं, जिनका जो खामियाजा पूर्व की सरकार को भुगतना भी पड़ा है। और अगर वर्तमान की प्रदेश सरकार भी अगर हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनको चेतावनी देना चाहती है कि भविष्य में हम इसके लिए जो है एक बड़ा आंदोलन लड़ने जा रहे हैं। तो ये एक चेतावनी के रूप में ले, क्योंकि काफी समय हो गया कि विश्वविद्यालय ना तो वीसी सरकार जो ना तो वीसी अपॉइंट करने में सफल दिख रही है, और शिक्षा का जो व्यापारीकरण और निजीकरण है उसके ये में भी जो है सरकार कहीं पर भी सफल नहीं दिख रही है। और यहाँ पर की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 डिपार्टमेंट जो चल रहे हैं उसमें अभी तक 8 रेगुलर फैकल्टी हैं, और इसमें 36 जो है गेस्ट फैकल्टी जो है अभी तक अपॉइंट है, और 4 जो है यहाँ से डेपुटेशन पर जो यहाँ के टीचरों को यूनिवर्सिटी ले जाया जा रहा है, जो कि शिक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है।